चीनी पकाई है। हम ये अंडों में चीनी शामिल करके और मिला रहे हैं, ठीक है। तकरीबन हमने 6 टेबलस्पून चीनी ली, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह से अच्छी तरह से फेंटेंगे और मिला लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने चीनी और अंडों को जूसर में डाल के रखा है और अब मैं इसको चला के फेंट कर चीनी मिक्स हो जाए, फिर निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें चीनी और अंडे मिक्स हो चुके हैं। इसके साथ ही इसमें हम दूध शामिल कर रहे हैं 1/2 लीटर, और इसको भी मिक्स करके और फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से जमाना है। ये मैंने इस तरह से एक तपीली के अंदर पानी गर्म के लिए करने के लिए रख दिया है। ये देखिए ये तमाम अंडे और दूध खूबसूरत सा लाइट ऑफ वाइट कलर इसमें हमने शामिल कर दिया। ये पैन थोड़ा छोटा है तो मैं इसे चेंज करती हूँ ताकि बड़े में रहूँ। ये देखिए ये थाला मैंने दूसरा चेंज किया है एक पुडिंग के लिए। ये स्पेशल एक पुडिंग बन रही है, ठीक है। इसके साथ ही इसे ये देखिए पानी गर्म हो रहा है चूल्हे पे, इस पर रखते हैं। ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बिल्कुल स्लो और इसके ऊपर इस तरह से ये देखिए पुडिंग को बिल्कुल लेवल करके और रख देंगे, ठीक है। अब इसको हम ढकेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने कवर कर रही हूँ, इसको ढक रही हूँ ताकि इसको अब कम से कम 1/2 से 1/4 घंटा लगेगा तैयार होने में, और फिर मैं आपको 1/4 घंटे बाद दिखाती हूँ। दोस्तों 1 घंटा हो चुका है पुडिंग को पकते हुए। ये देखिए इसका कलर, और ये देखिए मैं आपको इसको चेक कराऊँ। ये देखिए ये मेरी उंगली अंदर डिप नहीं हो रही है, इसका मतलब है ये मुकम्मल तौर पे गर्म है, बहुत तेज़ जम चुकी है। अब मैं इसको ठंडा करके आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको तकरीबन मैंने 1/4 घंटे बाद चेक किया था तो ये नहीं पकी थी, फिर मैंने दोबारा इसे पूरे 1 घंटे पकाया है, ठीक है। 1 घंटे में ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा करके फिर कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए पुडिंग आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी जम चुकी है मुकम्मल तौर पर, ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको इसको पीस बना के दिखा रही हूँ आपके सामने। बहुत यम्मी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपको एक एक पीस अलग करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब मुझे आप दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखिए इसके पीस कितने हसीन बने हैं, ठीक है। अब मुझे दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।